आपके पिताजी क्या करते हैं? राजमिस्त्री है। राजमिस्त्री हैं जो घर बनाते हैं? यस सर। और आपने कितना दिया? 50 रुपया। 50 रुपया दिया आयांश के जान बचाने के लिए? यस सर। इसके पिताजी इसके जीवित नहीं है, इसकी माँ जो है घर घर जाके काम करती है। ये इसके घर का दृश्य है, ये तीन बहन है ऑलरेडी, उसके बावजूद भी ये समर्पण, ये प्यार, बहुत बड़ा काम देख किया। करके मुझे आज मैं धन्य होगा कि मैंने वाकई देश में कुछ जी, और ईश्वर देख रहा है जी। जी मैंने आयांश के बारे में सिर्फ आज ही समझा, मतलब रोहित सर आज बोले तो ही समझा, तो मतलब कुछ बात समझ के मतलब उस पर बहुत माया सा आ गया कि जैसा मैं हूँ वैसा वो भी है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। 70-80 किलो ये जो पैसा है ये उन छोटे लोगों का पैसा है। इन बच्चों को देखिए, ये जो बच्चे आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये उस परिवार से आते हैं जहां 2 जून की रोटी भी बड़ी मुश्किल से आती है जी। किसी के पापा ठेला चलाते हैं, किसी के पापा रिक्शा चलाते हैं, कोई खोमचा बेचता है, कोई खिलौने वाला है। ये मंदिरी के इलाके में स्लम एरिया के जो बच्चे हैं, जो कभी इनकी पढ़ने की ललक थी लेकिन मजबूरी ये थी कि इनके पास पैसा नहीं था। जी हाँ, पढ़ना चाहते थे लेकिन पैसा नहीं था, और सिर्फ पैसा ही नहीं था, गार्जियन भी नहीं चाहते थे कि इन बच्चों के शिक्षा के प्रति जो गार्जियन है वो भी नहीं चाहते थे कि ये बच्चे पढ़े लिखे, क्योंकि वो चाहते थे कि इन 2 हाथों से काम करें। लेकिन दोस्तों, कुछ साल पहले एक इंजीनियर, और उसको इंजीनियर को तो मैं, जिनका नाम है रोहित जी, जिनसे मेरा परिचय था, और बीई करने के बाद वो पटना आए और उन पर सनक चढ़ा कि मैं इन बच्चों को पढ़ाऊंगा मुफ्त में। जी हाँ, ये कुछ साल पहले की बात है। और एक इंजीनियर जिस समय उसे लोग सनकी कहते थे, और बता दूं कि सनकी लोग ही इस दुनिया में बड़े बड़े काम करते हैं, और दुनिया की फिक्र ना करते हुए उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। बड़ा मुश्किल से ये मुहिम जो है आगे बढ़ी, और आप देख रहे हैं आज उनका सपना जो है वो साकार हो रहा है। ये शिक्षा का मंदिर है मंदिरी में, जहां पर ये बच्चे जो झुग्गी झोपड़ी से आए हैं, जो स्लम एरिया से आए हैं, वो पढ़ रहे हैं। और आज इन बच्चों का कुछ ऐसा कारनामा देखने को मिला कि दिल भर आया। पूरा देश जान रहा है कि आज आयांश किस बीमारी से जूझ रहा है। चारों तरफ लोगों को ये बात मालूम चल चुकी है कि उसकी जान बचानी है, और ये बात इन बच्चों तक भी पहुंची। और ये बच्चे जो हैं आज अपने घर से कुछ ना कुछ जो बन पड़ा है वो लेकर के यहाँ आए हैं। और हमारे साथ है रोहित जी। रोहित जी के पास देखिए, ये बच्चों का जो है कुछ फंड यहाँ पर आयांश की जान बचाने के लिए इकट्ठा की गई है। तो रोहित जी, ये जो बच्चे हैं जी, ये इनको आयांश के बारे में कैसे मालूम हुआ, कब मालूम हुआ? देखिए, कुछ बच्चों को जानकारी है सोशल मीडिया में, क्योंकि इनके तो ना टीवी है, ना इंटरनेट है, ना मोबाइल है। तो आज इसी के लिए हम लोगों ने एक स्पेशल सेशन रखा है, जिसमें कि एकता में बल, एक कहानी के थ्रू हमने इन बच्चों को ये बताने की कोशिश की है कि आयांश एक बच्चा है जिसको 16 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। वो पैसे से उसके इंजेक्शन का उपाय हो जाएगा, और एक बीमारी है SMA, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1, उसके इलाज में ये संभव हो जाएगा। मैंने इन बच्चों को ये बताया कि हमारे देश की आज़ादी जो है 135 करोड़ है जी, और फिर भी जिस देश में 135 करोड़ की आबादी हो, आज लगभग 23 दिन हो गए हैं, उस बच्चे के पास 16 करोड़ इकट्ठा नहीं हो पाया, ये कहीं ना कहीं हमारे एकजुटता की कमी जो है वो दर्शाता है। बच्चे अच्छे अच्छे को सबक सिखाते हैं, कई वर्ग ऐसे हैं जो अभी तक इस मुहिम में शामिल नहीं हुए हैं। इस मुहिम में शामिल होने के लिए ये बच्चे देश को बताएंगे कि एकता की ताकत क्या होती है। और मेरा मानना है कि आज इन्होंने ये इस मुहिम को छेड़ा है। आप देख रहे होंगे कि इस चादर में
किसी ने अपने गुपचुप खाने के पैसे रखे हैं, किसी ने टॉफ़ी खाने के पैसे रखे हैं, किसी ने चाट खाने के पैसे रखे हैं। ये बताता है कि अगर ये बच्चे में ये ऐसी सोच हो सकती है तो जिनके पास जो मिलेनियर है, जो बिलेनियर है, जो हज़ारों में है, वो चाहे तो क्या कर सकते हैं। और जिस बच्चे के पास समय मात्र 2 महीने का है, आज 21 दिन बीत गया और मात्र 5 करोड़ भी जमा नहीं हो पाया, तो ये बच्चे सिखाएंगे उन लोगों को कि कैसे 16 करोड़ इकट्ठा होता है। मैंने इनसे यही गुजारिश की है कि 135 करोड़ की अगर देश की आबादी है, एक एक रुपया भी लोग देगा तो 16 करोड़ से कई ज़्यादा इकट्ठा हो सकता है। तो आज उसका एक प्रमाण है कि कम से कम 100 लोगों का जो इन्होंने काम किया है, जी मुझे लग रहा है कि ये तकरीबन 100-150 के करीब ज़रूर होगा। ना जाने ये पैसे बच्चे बताइए देख रहे हैं दोस्तों, लानत है उन लोगों पर जिनके पास सामर्थ्य होते हुए भी उनके पैकेट से एक कौड़ी निकल नहीं रही है। और देख लीजिए ये बच्चे 2 रुपया 5 रुपया करके झोली में बटोर रहे हैं आयांश के जान बचाने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? विद्या। विद्या जी सर, तो ये पैसा देना है आयांश की जान बचाने के लिए, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये तो अभी हमें रोहित सर ने बताया, हमें पता नहीं था। मैंने तो फुचका खाने के लिए पैसा लाया था, रोहित सर ने बताया तो वो भी मैंने दे दिया। इसका फुचका खाने के लिए आपने लाया जी था सर। वो पैसे आपने दे दिए जी सर। और कितनी अच्छी शिक्षा यहाँ मिली है कि एक आदमी भी अगर 10 आदमी 15 आदमी का 1-1 रुपया का ही जिम्मा उठा ले तो देखते देखते 16 करोड़ का इंजेक्शन लग जाएगा। और बहुत अच्छी पहल है। और ये पैसे जो हैं रोहित जी, ये आयांश के हक के हैं जी, तो मैं चाहूँगा कि इस पैसे को आप आयांश तक पहुँचाएँ। देखिए इसीलिए मैंने आपको मैं किस तरह से आभार प्रकट करूँ बिहार स्टोरी का, कि ये सोच मेरे अंदर थी लेकिन लोगों तक पहुंचाने के लिए जो आवाज़ की ज़रूरत होती है वो आपके माइक की ताकत ही कर सकती है। मैं आपके माइक के द्वारा, आपके मीडिया के द्वारा, जो मेरे दोस्त हैं जो दिल्ली मुंबई कोलकाता ना जाने किस किस राज्यों में हैं, मैं उन सब से ये अपील करूंगा कि इस मुहिम को इतना तेज़ी से आगे बढ़ाएं, इतना तेज़ी से आगे बढ़ाएं कि ये जो 21 दिन का सफ़र तय हुआ है अब तक, ये 4 दिन में बस ख़त्म हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये 4 दिन में ख़त्म हो जाए। और मैं इसीलिए आपसे इस मुहिम में रोहित बिहार स्टोरी मीडिया का मेरा जी जान से साथ मिलेगा। मैं भी उन तमाम साथियों के साथ हूँ, मनीष कश्यप जी हैं और भी तमाम साथी लोग हैं जो इस मुहिम के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। पिछले 1 हफ्ता से मेरी तबीयत भी खराब थी जी, जी। लेकिन जब वीडियो देखता था तो कलेजा फटता था। बिल्कुल। और मैं बोला कि जब कैमरा उठाऊंगा तो आयांश के लिए पहले उठेगा जी। और इसलिए आपका बात हुआ और हमने कहा कि नहीं, ये आप यहाँ पे शिक्षा का मंदिर चला रहे हैं और देखिए कि यहाँ पर कितना अच्छा उदाहरण पेश किया है आपके बच्चों ने। और यही जागृति चाहिए अभी पूरे देश में कि जिसको जो पन पड़े वो मदद कीजिए, उस बच्चे की जान बचाइए। आपके पिताजी क्या करते हैं? राजमिस्त्री है। राजमिस्त्री हैं जो घर बनाते हैं? यस सर। और आपने कितना दिया? 50 रुपया। 50 रुपया दिया आयांश के जान बचाने के लिए? यस सर। पिताजी आपके राजा हैं बेटा, राजमिस्त्री नहीं है, वो सच में राजा हैं। बिल्कुल, शाबाश। बहुत 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 शाबाश। देखिए ये 50 रुपये का डोनेशन जो है इस बच्चे ने दिया। क्या नाम हुआ आपका? अंकित कुमार। अंकित कुमार। मैंने भी पूछा कि पापा डांटेंगे तो नहीं, तो कहा कि नहीं सर, वो मेरे गुपचुप खाने के लिए, आइसक्रीम खाने के लिए था तो वो मैं जब दे रहा हूँ। तो ये बड़ा क्या बोलूँ मतलब अपना पॉकेट मनी से जो मिला है लोगों को। मुझे लगा कि शायद हमारे किसी टीचर ने दिया होगा बड़े बच्चों, लेकिन इसका ये प्यार देख करके मतलब क्या बोलूँ। चलो शाबाश बेटा। सर हम भी देना। आपका क्या नाम हुआ? मेरा पायल कुमार। पायल कुमारी, आयांश के लिए क्या बोलना है? आयांश के लिए तो यही बोलेंगे मतलब वो भी तो मेरे तरह की इंसान ही है जो हम हैं, वो भी एक तरह से वो भी है, तो इसलिए इसी के लिए दुआ के लिए मतलब कुछ पैसा मेरे पास है तो मैंने दे दिया और मैंने ऐसा डेली भी करूँगा। इस बच्चे के बारे में बता दूँ, इस बच्चे के पिताजी नहीं हैं, इसके पिताजी इसके जीवित नहीं हैं। इसकी माँ जो है घर घर जाके काम करती हैं। ये इसके घर का दृश्य है, ये 3 बहन हैं ऑलरेडी, उसके बावजूद भी ये समर्पण, ये प्यार
बहुत बड़ा काम देख करके मुझे आज मैं धन्य हुआ कि मैंने वाकई देश में कुछ जी, और ईश्वर देख रहा है जी। जी मैंने अयांस के बारे में सिर्फ आज ही समझा, सिर्फ मतलब रोहित सराज बोले तो समझा, तो मतलब कुछ बात समझ के मतलब उस पर बहुत माया सा आ गया कि जैसा मैं हूँ वैसा वो भी है एक तरफ से। निशब्द हो जा रहा हूँ ये सब देखकर। ऐसा लग रहा है कि जहाँ मैं शिक्षा दे रहा था वो असफल हुआ। ये असल शिक्षा, ये नैतिकता का अगर पाठ अगर इन बच्चों में आ गया, इतने कम उम्र के बच्चों में, तो ये हमारी जीत है, हमारी टीम की जीत है। बहुत बहुत बधाई कि ऐसी शिक्षा इस मंदिर से मिल रहा है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। चल तो रोहित जी इस पैसे को बांधा जाए जी, ये अयांस के हक का पैसा अयांस के पास जाना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि आप भी साथ चले। जी मैं बिल्कुल चल रहा हूँ, क्योंकि ये जो हक के पैसे हैं जी, ये बड़े मतलब पवित्र पैसे हैं जी, और ये पैसे जो हैं ये पैसा ही नहीं है, आशा है, उम्मीद है, बिल्कुल एक बहुत बड़े क्रांति की ये शुरुआत हो सकती है। तो हम लोग चलेंगे थोड़ी देर में और अयांस के घर पे चलेंगे, और अयांस को देखना भी है, और अयांस के लिए जो भी बन पड़ेगा हम लोग वहाँ पर जा करके करेंगे। इन बच्चों की दुआएं भी आप इसमें कैप्चर करें एक साथ। बेटा आप लोग बोलिए कि अयांस हम तुम्हारे साथ हैं, फिर से बोलिए अयांस हम तुम्हारे साथ हैं। ये आवाज है, ये आवाज है हिंदुस्तान की, ये आवाज आ रही है बिहार से, और यहाँ पर देश को एक होना होगा, और बिल्कुल अयांस की जान बचेगी और जरूर बचेगी, क्योंकि क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि देखिए छोटे छोटे कदमों से ही बड़े बड़े सपने पूरे होते हैं, और हर आदमी अगर ये सोचेगा कि नहीं बड़ा लोग के पास बहुत पैसा है वहीं आके डोनेट करेंगे, तो आज बड़े लोग कितना डोनेट कर रहे हैं, जिनको जो करना था वो कर चुके हैं, लेकिन आज जो छोटे छोटे स्तर पर जो डोनेशन होगी वो बहुत मायने रखेगी। और इसमें रोहित जी का बहुत शुक्रिया कि इस मुहिम को, मैं आशा करता हूँ कि रोहित जी वो आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल सर, मैं उस काबिल नहीं हूँ, बस मैंने अपने क्षेत्र में अपने प्रांगण में इन बच्चों को शिक्षा दिया है। असल भार तो सर आप पे है कि आप इस मुहिम को इस देश के कोने कोने तक पहुँचाइए, जहाँ पर ऐसे बच्चे, इन बच्चों के लिए मैं क्या कहूँ कि ऐसे कई बच्चे हैं जो देश में हैं, जो कई लोगों को ज़िंदा कर सकते हैं, जो मुर्दा पड़े घर में खड़े हैं उनको ये बच्चे ज़िंदा कर देंगे, बस वो आवाज़ आप पहुँचा दीजिए। आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। मैं तो सदैव तत्पर हूँ, तो चलते हैं हम लोग वहाँ पर भी अयांस से भेंट करेंगे। दिन भर में कभी आपको अपने मौत का ख्याल आता है क्या, एक मिनट के लिए भी, एक सेकेंड के लिए भी? नहीं ना, ख्याल तो छोड़िए, ये भी आप सोचते नहीं होंगे कभी दिन भर में एक बार में कि आपको मरना भी है। लेकिन जरा सोचिए उस बेबस बाप के बारे में, उस दुखियारी माँ के बारे में, जो दिन भर एक एक पल 9 महीने के बच्चे को गोद में लेकर के उसके मौत का इंतजार कर रही है। चेहरा तो ये वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुका है, कितना प्यारा बच्चा है जिसका नाम है अयांस, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इनको क्या बीमारी है। वैसे फॉर्मेलिटी बता दूं आपको कि SMA टाइप 1 इनकी बीमारी है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी टाइप 1 यही बीमारी है। और आज देखिए हम पहुंच गए हैं अयांस के सामने, है अयांस के पिताजी आलोक जी, और यहाँ पे हैं अयांस की माता जी नेहा जी, और आज हम पहुँचे हैं जिनके कारण वो मिलिए, ये रोहित जी हैं, जहाँ पर आपने देखा कि कैसे गरीब बच्चों ने एक एक रुपया, दो दो रुपया दे करके झुग्गी झोपड़ी के जो गरीब बच्चे हैं, और वो दिखाइए जरा रोहित जी ये कलेक्शन किए हैं। ये एक छोटा सा कलेक्शन है लेकिन इसका मैसेज बहुत बड़ा है मेरे दोस्तों। देखिए 16 करोड़ का इंजेक्शन है, और ये तो आलोक जी ही बताएंगे कि सर क्राउड फंडिंग जो हो रही है अभी किस लेवल पे पहुंचा? अभी 16 करोड़ में हम लोग 6 करोड़ 12 लाख के आसपास पहुंचे हैं, तो हम लोगों को अब 10 करोड़ से कम चाहिए। 10 करोड़ चाहिए जी, 10 करोड़ से कुछ कम, 9 करोड़ 90 लाख के आसपास। 90 लाख। और सर हम लोग के पास समय कितना है? समय हम लोग के पास मान के चलिए 1.5 महीना 2 महीना है, इतना ही समय है। हाँ, इस अंतराल में अगर बच्चे को इंजेक्शन नहीं लगा तो उसका साइड इफेक्ट शुरू हो जाएगा? हाँ, इंजेक्शन लग जाएगा तब तो ये इसका बीमारी रुक जाएगा और डेवलपमेंट चालू हो जाएगा। अगर नहीं लगा इंजेक्शन तो इसका जो समस्या है वो तेजी से बढ़ेगा। तो रोहित जी इस मुहिम में आप बी4 नेशन के संचालक हैं जी,
तो अयांश को बचाने के लिए और आगे की क्या योजना है अपने तरफ से? देखिए, ये जो मुद्दा है ये अभी तक राज्य भर में सीमित है, जबकि ये राष्ट्रहित राष्ट्र का मुद्दा होना चाहिए था। और लोगों को कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है, जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो ये कह करके स्किप कर जा रहे हैं, लोग मदद कर ही रहा है तो हम क्या करेंगे। तो आज मैंने बच्चों को भी वही शिक्षा दी है कि 135 करोड़ की ये देश की आबादी है, अगर एक रुपया भी आता है तो आज 22-23 दिन नहीं होता, और इतना विलम्ब अब सही नहीं है। तो मैं आपको ये माध्यम से ये पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में इस बात को जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करना चाहता हूं, और आपकी आवाज़ में, आपके माइक में वो ताकत है, इसलिए मैंने आपका सहारा लिया है। और मेरा एक विश्वास है कि आज जो बच्चों ने किया है उसकी दुआ इस बच्चे को ज़रूर लगेगी। और ये जो मुहिम है 4 दिन के अंदर बंद हो जानी चाहिए। ये जो 16 करोड़ का मसला है, आज इसको हमारे दोस्त में, हमारे अलग राज्य में, हमारे अलग राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्र मंत्री सब तक पहुंचे तो ये बहुत समय का अब इंतज़ार नहीं मांग रही है। आयान सब जल्दी इलाज मांग रही है, इसको जल्दी से पूरा किया जी। रोहित जी, ताकत मुझ में नहीं है, ताकत इस बच्चे में है, ये साक्षात ईश्वर का रूप है, और हम लोग को बचपन से बढ़ाया जा रहा है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, और आप देखिएगा ये बच्चा आगे चल कर के कुछ ना कुछ बहुत बड़ा इंसान बनने वाला है, और इसलिए शायद इतने सारे लोग, और अब तो सर केवल बिहार नहीं, देश नहीं, पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं। और दोस्तों, स्क्रीन पर भी आपको अयांश के मदद के लिए जो डिटेल्स है वो आपको मिल जाएंगे, इनका अकाउंट नंबर वगैरह, जो अयांश के खाते में आपको अगर हेल्प करना है, और करना ही है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप हेल्प नहीं कर रहे हैं तो कल आत्मा आपका कचोटेगा, बिल्कुल कचोटेगा, ये याद रखिएगा। और डिस्क्रिप्शन में वो सारे डिटेल्स हैं, आलोक जी उनके पिता हैं, उनका भी नंबर है, सारा अता पता सब कुछ दिया हुआ है। जो बन पड़े, जैसे रोहित जी ने बताया अभी, जो बन पड़े कि 135 करोड़ की आबादी है, और बहुत अच्छा लगा एक बात कि ठीक है, हर आदमी डोनेट नहीं करे, लेकिन एक आदमी 10 आदमी का जिम्मा ले ले, 50 आदमी का जिम्मा ले ले, 100 आदमी का जिम्मा ले ले, 5000 आदमी का जिम्मा ले ले, करते करते तो 135 करोड़ जुट जाएगा। तो यही उम्मीद करते हैं कि इस मुहिम में बड़े बड़े लोगों का आशा मत करें, हम जैसे छोटे लोग ही आगे आए और छोटे छोटे स्तर पर प्रयास करें, वही एक बड़ा मुहिम साबित होगा। और रोहित जी से आग्रह करूंगा कि सर आप उनके पिताजी को भेंट दें, और ये एक छोटा सा भेंट जो है रख लीजिए बिहार स्टोरी की तरफ से भी। नेहा मैडम, आप कुछ अपील करेंगी हमारे चैनल से? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारी हेल्प करी है मैं उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ, एकदम दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें जो अब तक हमारे पास अमाउंट आ पाया है 6 करोड़ 12 लाख, वो सर वो जो नॉर्मल पीपल जो होते हैं, जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल या फिर पुअर फैमिलीज, बहुत ही पुअर आप कह सकते हैं सर, वो लोग के का कंट्रीब्यूशन हमारे पास हमारे अयांश के लिए आया है। तो मैं उन लोगों को दिल से धन्यवाद कहती हूँ, और एक और बात कहना चाहती हूँ सर कि जिस तरह से अब तक आप लोगों ने प्यार बनाए रखा है, आशीर्वाद दिया है, वैसे आगे बनाए रखें, क्योंकि अयांश को 16 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, और अब तक सर हम 6 करोड़ 12 लाख ही पहुँच पाए हैं। सर इसमें अगर कुछ भी अगर कम हो गया तो इसे इंजेक्शन नहीं पड़ पाएगा, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से अब तक सहयोग बनाए रखा है आगे भी बनाए रखें, क्योंकि मेरा होप बस आप लोग ही हैं, मैं किसी रिच पर्सन से क्या उम्मीद करूं, क्योंकि वो लोग अब तक हमारे पास नहीं आए हैं, और जो मंत्रीगण हैं मैं उनसे भी क्या कह सकती हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि हमारी मदद करें और अपने अयांश को बचाएं, क्योंकि अब ये मेरा अयांश नहीं, ये अब आपका अयांश है। जी बिल्कुल जी नेहा मैडम, अब हम जैसे छोटे छोटे लोग ही आगे बढ़ें, रियासतदार सियासतदार जो हैं, जो उनके तरफ से बहुत निराशा हाथ लग रही है। 70-80 kg होगा ये, देख लीजिए, ये बूंद बूंद से घड़ा भरता है, 70-80 kg ये जो पैसा है ये उन छोटे लोगों का पैसा है जो कि कल एक बड़ा अमाउंट में तब्दील होगा। तो बड़े लोग गफलत ना पालें, उन्हीं के भरोसे लोग बैठे हुए हैं, अभी भी वक्त है, जागिए और इस छोटे से जान को बचाने की मुहिम में हमारा साथ दीजिए। और बिल्कुल दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है, समय कम है,
एक से डेढ़ महीने का मात्र वक्त बचा हुआ है इस छोटे से नंदी जान को बचाने के लिए, तो आप जो बन पड़े, फिर से एक बार कहता हूँ, बहुत बड़ा मत सोचे, लेकिन जो बन पड़े वो गूगल पे कर दें, और भी सारी चीज़ें होंगी आपके पास, तो वो डिस्क्रिप्शन में होगा, वो डिटेल्स मैं सब दे दूंगा आप लोगों को। तो कृपया हेल्प आयांश, और जीवन मांगे आयांश का अभियान जो है उसको तेज किया जाए। हमारे जितने मीडिया बंधु हैं, यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, वो आएँ और इस चीज़ को जन जन तक पहुँचाएँ, आयांश को किसी तरह से बचाएँ। इसी के साथ बिहार स्टोरी मीडिया से मैं पवन कुमार सिंह आपसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार।